हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसी रेसिपी जिसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अगर आप घर में रोटियां बनाते हो तो रोटी बच जाती है तो आप उसका क्या करते हो? आज मैं आपको ऐसी रेसिपी सिखाऊंगी जो आपकी बची हुई रोटी से एक बहुत ही प्यारी और डिलीशियस रेसिपी बनकर तैयार होगी, जिससे आप स्नैक की तरह भी खा सकते हो और बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाए। हमें चिवड़ा बनाने के लिए चाहिए लेफ्टओवर रोटी। अगर आपने लेफ्टओवर रोटी ना हो तो आप ताज़ी रोटी भी ले सकते हैं। उसको हमने अच्छे से स्मॉल पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद हमें एक कढ़ाई लेनी है। हमें कढ़ाई में 1 टीस्पून तेल डालना है। हमें ज़्यादा तेल नहीं डालना है, 1 टीस्पून ही डालना है। तेल गरम हो जाए उसके बाद उसमें हमें हींग डालनी है। राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, और करी लीव्स डालेंगे। उसके बाद जो हमने रोटी को कट करके रखा था वो इसमें धीरे धीरे डाल देंगे। ये एकदम इंस्टेंटली फटाफट तैयार हो जाती है स्नैक्स। अगर आपको भूख लगे और कुछ अच्छा सा डिलीशियस खाने का मन हो तो आप चटपट बना सकते हो। हमें अच्छे से चारों तरफ से मिक्स कर लेना है और फ्राई कर लेना है अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स कर ले उसके बाद हमें सारे मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून डाला है। लाल मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको तीखा ज़्यादा पसंद हो तो वैसे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 डाला है। जीरा पाउडर, नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है। अच्छे से सारा कुछ हम मिक्स कर लेंगे। हमें चिवड़ा एकदम क्रिस्पी बनाना है, जिससे कि अच्छे से हमें हिलाते रहना है। बच्चों को टिफ़िन में हम ये चिवड़ा देंगे तो उसे बहुत ही पसंद आएगा और रोटी भी वो इस तरह से खा लेंगे। अच्छे से हमें हिला लेना है जिससे कि वो चले ना और अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद हमें टेस्ट के लिए शक्कर डालनी है। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून शक्कर डाली है। आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हो। अच्छे से हमें हिला लेना है। 2 मिनट के लिए हमें हिलाते रहना है और अच्छे से पका लेना है, जिससे कि चिवड़ा क्रिस्पी हो जाए। ये चिवड़ा बनाने में हमें 5 मिनट भी नहीं लगते और एकदम फटाफट तैयार हो जाता है। आप देख सकते हो हमारा क्रिस्पी होने लगा है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा चिवड़ा एकदम क्रिस्पी हो गया है।
उसके बाद हम उसे धनिया पत्ते से गार्निश कर लेंगे। हमें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है धनिया पत्ते को, इससे कि टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, हमारा लेफ्ट ओवर रोटी का चिवड़ा एकदम तैयार है। आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नई रेसिपी लेके, तब तक के लिए बाय।